पचास के हो गए। आपके साथी हैं तो आप भी 50 के हो गए। नहीं, आपके और नाना के नहीं, छोटे हैं आप लोगों से, तो वैसे 50 के हो गए। लेकिन क्या प्लेयर थे आप। अच्छा, सचिन की बात हो रही है। ले जी, हैप्पी 50th बर्थडे एंड मेनी जॉयस रिटर्न सचिन रमेश तेंदुलकर साहब। और आजकल मैं बड़ा, जरा आज इस वसीम ने मुझे कहा तो मेरा भी मूड बना कि हम जरा डिफरेंट अंदाज का करेंगे। वो कोई फायदा नहीं कहने का कि 15,000 टेस्ट रन्स थे, फराड़ा थे, वनडे थे, 100 सेंचुरी, वो सारों को पता है। वसीम सबसे पहले, वैसे मैंने गूगल किया था ना तो वो लिस्ट खत्म ही नहीं होता, इतने वो और इतने रिकॉर्ड थे। अच्छा, कि वो तो घंटा लग गया। सबसे पहले तो एक चीज ये है कि लेट स्टार्ट विद कि सुनील गावस्कर, सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली, ये तीन आप नाम रखें। इंडिया ने और श्रीलंका ने हमेशा टॉप क्लास बैट्समैन प्रोड्यूस किए। मतलब आप डी वी देवधर से शुरू हो जाए, शुरू से अगर आप शुरू हों, विजय मांजरेकर, संजय के फादर, वेनू मनकर, विजय हजारे, मतलब ये एक लेवल था। बट जब सुनील गावस्कर आए ना और वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट इन वेस्ट इंडीज डेब्यू करते हुए पहली सीरीज में 771 रन, 4 टेस्ट खेले थे, एक नहीं खेले थे, अंगूठा खराब था, ठीक है। अच्छा जी, तो वो गावस्कर का आप कह सकते हैं कि अगेन ही प्लेड अगेंस्ट द बेस्ट ऑफ द बेस्ट, ठीक है। लेकिन वो इंग्लैंड में मास वो जो 1979 की मैसिव इनिंग थी, जहाँ पे ये 438 चेज करा गए थे, उन्होंने 200 किया था, इंग्लैंड में वो हिल जाते होते थे 74 टूर में इस तरह। लेकिन सचिन 200 टेस्ट मैच खेलना, जरा पहले तो आप एज ए टेस्ट क्रिकेटर मुझे बताएं कि 200 टेस्ट मैच आपने 18 खेले हैं, आपसे 182 ज्यादा खेले हैं। मेरे जैसे तो 50 ही होते थे, तो होने पहले तो इसमें बता रहे 200 का बता, फिर आगे चलते हैं। ये एक तो ये चीज शो करती है जी कि वो बंदा ठीक है, उसने अर्ली स्टार्ट किया, उसका स्टार्ट 16 में उसका डेब्यू हुआ है, इतना अरसा वो खेला और कंटिन्यूसली वो खेला है, ये भी नहीं कि फिटनेस फिटनेस और उसके साथ अगर आप देखते हैं कि परफॉर्मेंस वाइज देखा तो ग्राफ आपको एक के साथ आज के लिहाज से तो T20 का बेस्ट ऑलराउंडर होता, गेंद भी ठीक कर रहा था। कौन सी वाली एनीवेज। अच्छा जी, देखिए आपने बात अगर आपने की है जी गावस्कर, अब बैटिंग का आप अगर देखते हैं जी इंडिया की कहां से स्टार्ट हुआ, ये कौन सा ऐसा बैट्समैन था जिसे इंस्पायर किया नेक्स्ट जनरेशन को, सुनील उसमें आते हैं, सुनील गावस्कर इनका इंटरनेशनल इंट्रोडक्शन था ये बिल्कुल, जिन्होंने कहा ना कि हर जगह खेला और रन किए। उसके बाद हमें मिले फिर सचिन आए। अच्छा, मजे की बात है, आप और हम बातें कर रहे हैं तो हमें आगे जीनी पर आए चुपेड़े मारेंगे कि यार तुम मर गए सर, मतलब उनको हम गिनते ही नहीं, मोहिंदर अमरनाथ, दिलीप बिन सरकार, मोहम्मद अजहरुद्दीन, मतलब ये वो प्लेयर्स हैं क्योंकि ये डोमिनेट कर गए हैं। नहीं, उस दौर में बैटिंग वीवीएस लक्ष्मण बैटिंग बहुत ऊपर थी, उसके अंदर से भी हाईलाइट एक बंदा अगर हो रहा है दैट्स अ मैसिव अचीवमेंट, क्योंकि सुनील गावस्कर की थी। और सुनील गावस्कर के बाद फिर ऑब्वियसली सचिन का एरा स्टार्ट हुआ है। एक चीज तो तय है रहो कि आई थिंक अगर सचिन शायद इतनी अचीवमेंट्स, इतना वो इंस्पिरेशन ना होती तो शायद आपको ये आजकल के विराट कोहली या रोहित शर्मा, शायद ये लोग आपको नजर ना आते। बिल्कुल, एक चीज जो और देखते हैं कि सुनील गावस्कर ऑब्वियसली बेस्ट नोन फॉर हिज रेड बॉल क्रिकेट एंड डिफेंस, कि वो क्लासिक खेलने वाले होते हैं। नहीं, वनडे में उन्होंने कमाल किया हुआ है, 60 ओवरों में 36 नॉट आउट, 36 नॉट आउट, 60 ओवर। आपको क्या, अच्छा आप खांसते हैं, दवाई भी दे देंगे, दवाई भी दे देंगे आपको जाते जाते। इसमें वसीम जो मैं बात करने पे आ रहा था, जहाँ पे जरा थोड़ी चीखें भी निकलेंगी, कि आप गेज करते हैं बैट्समैन को कि वो किस ऑपोजिशन के अगेंस्ट उसने रन किए, कहाँ पे उसने रन किए, किस कंसिस्टेंसी से उसने रन किए, वो कैसा गेम चेंजर था, इंपैक्ट प्लेयर था, ठीक। उसके अलावा क्वालिटी ऑफ बॉलिंग क्या थी और क्वालिटी ऑफ पिचेस क्या थी। तो बाय द टाइम सचिन स्टार्टेड, अब जैसे सुनील गावस्कर एज एन ओपनर मेरा ख्याल है वन ऑफ हिस्ट्री के, दुनिया की हिस्ट्री के तमाम टीमों अक्रॉस पोर्टल अक्रॉस शायद मोस्ट करेक्ट बैट्समैन हो। गावस्कर ने हेलमेट कभी नहीं पहना था, उन्होंने वो यूज किया, वो टेंपल गार्ड यूज किया, बट हेलमेट कभी नहीं पहना उन्होंने। एंड ही बॉलर इतने तेज, सही नहीं तो माइकल होल्डिंग था, एंडरसन रॉबर्ट्स था, जुल गार्न, इमरान खान, रिचर्ड हेडली, इयान बोथम, और स्पिनर्स भी कख नहीं थे, वो की जिसने बात की थी कि कवर और वो वेट ना होना, सॉफ्ट पिचेस, तो
ये देखें तो फिर ऑब्वियसली आप एक उनको एक हायर पेडेस्टल पर रखते हैं। फिर वो खैर बर्थडे जो है ना वो नहीं, सचिन पे आ रहा हूँ। सचिन अब मैं तो सचिन वर्सेस विराट, अब सचिन का एक तो सबसे पहले आप टेक्निकली ये बताएगा आपको कि बैलेंस कैसा था, उसकी मेथड क्या था। लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो मैं देखता हूँ जी, कि वसीम अकरम, वकार यूनस, कर्टली एम्ब्रोस, कोटनी वॉल्श, एलन डोनाल्ड, शेन वॉन, मुतिया मुरलीधरन, ठीक है, अब दुनिया में अगर आप ये देखें और फिर सचिन की कंसिस्टेंसी और परफॉर्मेंस देखें। सो अब विराट पे नथिंग टू टेक अवे फ्रॉम हिम, ही इज ऑल्सो अ फिटनेस फ्रीक, सेंसेशन है अबव ऑल, ये भी स्टैंड आउट करता है। आपने कभी सचिन को ऐसे मेंटली सैचुरेट होते हुए आउट ऑफ फॉर्म होते देखा 200 टेस्ट में? मुझे इस तरह याद नहीं पड़ता, छोटा मोटा एक चार गया वो भी एक दो इनिंग्स वाला होगा इस तरह का। लेकिन ये जो आपने इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है जो मैं भी जिस एंगल से वो देखता हूँ कि 90s के बॉलर और अर्ली 2000 के अगर आप बॉलर्स देखते हैं, ठीक है, वो अक्सर लोग कहते हैं जिस दौर में बंदा खुद खेला होता है आपको वो एरा अच्छा लगता है, रियलिटी नजर आने लगी। आजकल की बॉलिंग की क्वालिटी अगर आप कंपेयर करते हैं उसमें आप मैकग्रा, ब्रेटली, ये सारे आप हर टीम के पास उस दौर में वर्ल्ड क्लास फास्ट चार तो होते थे ना, और स्पिनर भी तगड़े होते थे, चाहे वो मुरलीधरन था चाहे वो शेन वॉन, इधर यार सकलैन मुशी है मतलब, तो उनके अगेंस्ट इस तरह रन्स करना आई थिंक इट वाज अमेजिंग। वो सचिन ही कर सकते थे कि जिस तरीके से इवॉल्व किया उनकी टेक्निक की अगर आपने बात की है तो अगर आप देखते हैं कि ईच ईयर ही गॉट बेटर एंड बेटर, जिस तरीके से स्पेशली अगेंस्ट द फास्ट बॉलिंग टेक्निक में आपको कुछ सटल चेंजेस भी नजर आई, स्पिनर्स के ऊपर उनका मेथड चेंज होता हुआ आपको नजर आया, और फिर जो एक टर्निंग पॉइंट था कि जो आई थिंक कह सकते हैं कि ट्रेंड सेटर वन डे क्रिकेट में कि जो बेस्ट बैट्समैन है आपका ही शुड ओपन द बैटिंग, और वहां पे सचिन ने यू बी शॉक्ड कि शायद जो पहली वन डे इंटरनेशनल 100 थी वो 78वें वन डे के बाद आई थी, तो उसके बाद की हो यार ये है ना, ये ओपनिंग स्टार्ट की उसके बाद वो फिर जो अग्रेसिव क्रिकेट की हम बात करते हैं उसके भी टचेस आपको नजर आए कि वो दायरे का इस्तेमाल वगैरह भी आपको उसमें नजर आया। लेकिन जो सबसे ज्यादा इम्प्रेसिव चीज थी डॉग के 90s का दौर इजी दौर नहीं था क्रिकेट वाइज भी और ऑफ द फील्ड, ऑफ द फील्ड बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स थी। शुक्र है मोबाइल कैमरे नहीं थे उन दिनों में, कमाल है उस बंदे का जी की इतनी दाइयां वो खेल रहा है, कोई कंट्रोवर्सी कंट्रोवर्सी तो चलो नहीं जी, वो तो कमाल है कि उस जमाने में स्कैंडल भी कोई नहीं हुआ, बिल्कुल ऐसी कोई याद नहीं पड़ता, कोई खबर भी ऐसी चली हुई हो, तो इसका मतलब आजकल होते हैं शायद फोटोशॉप करके वो आपको फोटोशॉप करके याद आता है डी फेक इमेजिंग। लेकिन ये है कि फोकस और कंसंट्रेशन और पैशन, मेरा ख्याल है कि जो पहले टेस्ट में था, अब मैं इंटरेस्टिंग आपको बात बताता हूँ जी कि मुझे इन्होंने पिंडी की टीम का लेजर ऑफिसर बना दिया, इंडिया आई 89-90 जब यहाँ पे, तो हमारी टांग शांग भी खराब थी, क्रचेज भी थी, तो आप बोलते ना अंग्रेजी बोलने के चक्कर में हमें लगा दिया, तो उसमें मुझे याद है कपिल देव भी आए थे और ये थे सलीलम कोहला और विवेक रजदान और ये बड़ी, तो सचिन तेंदुलकर का वो मेडन टूर था फॉर इंडिया, तो पहला जो रिप्रेजेंटेटिव मैच खेले थे ना इन पाकिस्तान वो पिंडी क्लब ग्राउंड में खेले थे, तो इन्होंने 47 किया था, ये नंबर 3 पे गए थे, और उस 47 में मेरा ख्याल है कि बल्ला मुबालगा कोई 6-7 चौके थे और वो एक क्लास थी, जिसमें मुझे याद है कि कपिल देव साइड पे बैठे हुए थे, तो उसने कहा था कि यार ये, मैंने कहा ये टेस्ट खेलेगा, कहा ये टेस्ट नहीं खेलेगा ये खेलेगा, मतलब यू नो ये उस रेपुटेशन के साथ, बिल्कुल इसी तरह की बात वसीम अकरम ने भी की थी आई थिंक, काफी पहला टेस्ट मैच था जहाँ पे वो बॉलिंग कर रहे थे पाकिस्तान में, और सियालकोट में बात करते हैं जब यहाँ पे मारा है, कराची में डेब्यू किया ना, पर सियालकोट टेस्ट में 50 किया, नाक पे मारा था इन्होंने। लेकिन आई रिमेम्बर के वसीम अकरम साइड की जब मैंने पहला अंदर आ रहे थे तो मैंने कहा ये बच्चा सा है इसको तो ऐसे आउट कर लेते हैं, कहते लेकिन पहला बॉल ही जिस तरीके से रोका इसने तो मैंने आगे पीछे कह रही भाई देख रहा है बच्चा जरा तेज है, वो तेज बच्चा ऐसा निकला कि अगले 30 साल वो आपके काबू में नहीं आया। और फिर जिसने ऑस्ट्रेलिया में शौक किया, फिर ओवल में इंग्लैंड में शौक किया महल आते ही 1990 में, तो वो शो करता है। साहब आप मुझे एक चीज़ बताएं, सचिन तेंदुलकर जो आपने कहा कि इवॉल्विंग प्लेयर था, उन्होंने लर्निंग नेवर स्टॉप फॉर हिम, वो ये नहीं था वो कुछ ना कुछ सीखा उन्होंने, मुझे बताएंगे वो जो टोस पे बैलेंस करना सुनील गावस्कर को होता था वो झलक इनमें भी नजर आती थी कि इनका बैलेंस वाज आउटस्टैंडिंग, और शायद ये सिचुएशनली भी अपने आप को चेंज करते थे, और आप बात करते होते हैं वो डायनामिक बैलेंस की, स्टैटिक बैलेंस की, और वो शायद ये परफेक्ट
थे और इनको एडवांटेज ये था कि इतने लंबे नहीं थे, हाइट अच्छी थी, तो वो जो सेंट्रल पॉइंट होता है इनका वो एसेंशियल हो जाता है ना। जब जितने भी छोटे कद के बैट्समैन होते हैं, ऑब्वियसली जब शॉर्ट पिच बॉलिंग होगी या बाउंस पिचेस पे खेलेंगे, तो मोस्ट ऑफ द टाइम टॉप ऑफ द बाउंस आने के लिए आपको यू हैव टू गो इन द एयर, या टोज पे आना होगा, या आपको लिटरली जंप लेनी होगी, जिसकी आप बात करें कि डायनेमिक बैलेंस की भी अगर हम देखते हैं, तो वो चीज हमें गावस्कर में भी नजर आती थी। सचिन उसको नेक्स्ट लेवल पे लेके गए थे कि इसके अंदर सिर्फ वो डिफेंस नहीं, वो उसके अंदर उन्होंने स्ट्रोक मेकिंग भी, चाहे वो आपके दोस्त शोएब अख्तर को जो कट्टे लगी थी वहां पे वर्ल्ड कप में, वो या ब्रेडली को जिस तरह उन्होंने खेला है इस तरीके से बैकवर्ड पे जाके, तो एडजस्टमेंट्स वो डेफिनेटली करते थे कि जहाँ पे बाउंसी पिच, स्पेशली ऑस्ट्रेलिया में हमने देखा था, इवन साउथ अफ्रीका में भी समटाइम्स, कि वो ज्यादा बैलेंस पूरा पीछे ही रखते थे, ज्यादा बैकफुट को वो प्रेफर करते थे, लेकिन अगेन जब बॉल आगे उनको मिलता था या इन पिचेस पे आते थे उनके जो ड्राइव्स है, हालांकि आजकल बड़ी बात होती है जी ड्राइव्स के बारे में, जी के पावर का ड्राइव है, कोहली का ड्राइव है, लेकिन सचिन का भी जो स्ट्रेट ड्राइव है, कोर ड्राइव था, कमाल का बैलेंस होता था। एक दूसरी चीज है और इतने भारी बल्ले के साथ, मेरा ख्याल ये 2-11 का 2-10 हैवी बैट है। अच्छा एक और चीज मैंने आपसे पूछनी है इस बैलेंस के हवाले से, कि सचिन ने पहला जो हाफ अपना खेला है वो बैक एंड अक्रॉस टेक्निक के साथ खेला, पुरानी टेक्निक, उसके बाद तो ये वो स्टैटिक इंस्टेंस हो गए और वो जो चीज मिनिमम मूवमेंट आ गई। मुझे ये बताएं कि मैंने कभी ये नहीं देखा था तेज से तेज फास्ट बॉलर, कि उन्होंने कभी इनको, मैंने यूं देखा कि एज कर दे तो ऊंच कर दे, ये क्या चक्कर था, कि आई अच्छी थी, बैलेंस अच्छा था, पिक जल्दी कर, जैसे ब्रायन जो है, ब्रायन को आपने देखा कि अटैक होता था तो ब्रायन नजर आता है यूं करता, सर पे खोपे पे भी खाता था। जितने आप स्टैटिक रहेंगे, स्टिल रहेंगे, ऑब्वियसली बेटर विजन आपको बॉल का मिलेगा, लेकिन जितने भी टॉप क्लास वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स, उनकी एक क्वालिटी आपको नजर आएगी कि उनकी जो क्या परसेप्शन कहेंगे आप, कि लेंथ को लाइन को जल्दी पिक करते हैं। और सचिन का भी अगर आप देखते हैं, बहुत कम ऐसे होगा कि वो पीछे वाले बॉल को आगे खेल के, या आगे वाले बॉल को पीछे खेल के, मल्ले के बॉलर लगे हुए हैं और वो बड़ा टाइम बरामदे में खेल रहे हैं, तो टाइम इतना होता है इन बैट्समैनों के पास जो टॉप क्लास बैट्समैन है, कि वो लगता है कि यू नो बड़ा इजी चीजें आ रही है, हालांकि वो जब वो स्पीड गन से वो आती थी, स्पीड होकर 145 पे बड़े आराम से खेल रहे हैं, दीज बॉलर्स वर क्विक, ये नहीं कि आते एक आध क्यों नजर आता ना आपको, शोएब अख्तर है तो ब्रेट ली था उधर से, कोर्टनी वॉल्श जो थे, एम्ब्रोस होते थे, यही नहीं मान होते थे, दोनों एक तरह से लगे होते थे। आई थिंक अब कह सकते हैं कि बहुत से बैट्समैनों को न सिर्फ इंडिया में बल्कि पूरी दुनिया में, इवन इन पाकिस्तान बहुत फैन थे सचिन के, और बहुत सी पूरी एक जनरेशन को नहीं। और सचिन की टेक्निक और मेथड शायद ऐसा था कि आपको कोई बैट्समैन इनको कॉपी करता नजर नहीं आया, ये वन ऑफ दोज है, आपको जैसे ना आप ज़हीर अब्बास को देखें तो अज़रुद्दीन आपको नजर आता, फिर वीवीएस लक्ष्मण आपको नजर आता है, केमिस्ट्री वो करते थे, लेकिन चाहे गावस्कर को देखें इनको, ये क्या वजह है कि ये यूनिक थे, वही सोच रहा हूँ डोमेस्टिक में भी नजर आया, उनके बल्ले और पैड पैड सचिन के कॉपी हुए, वो जो पहली दफा जो मोल्डिंग आए थे वो सचिन आई थिंक स्टार्ट किए थे, और उसके बाद सबने किए थे, और इनफैक्ट मैंने भी लिए थे यार, सचिन पहनता ये पैड, मैंने क्रिकेट स्टार्ट की, नए नए ये मोल्डिंग पैड होते थे, बड़े हल्के थे, आई थिंक यूनिक कह सकते हैं आप, उनकी टेक्निक भी थी और थोड़ा सा उनका यूनिक इन सेंस के वो करेक्ट थे, ये नहीं था कि उसके अंदर मतलब ब्रायन लारा तो बिल्कुल यूनिक था, वो तो कमाल था ना, तो समझ जाते अगेन फेनोमेनल, वो फेनोमेनल था, लेकिन जब बैट के ऊपर यू नो बॉल लगती थी तो फिर आपको पता चलता था कि आप बैट्समैन है। तो आई थिंक सचिन को जितनी भी ट्रिब्यूट आप दे कम है कि उन्होंने पूरी एक जनरेशन को इंस्पायर किया, और अभी तक लोग जो भी बैट्समैन आता है उसको कंपेयर सचिन से करते हैं। लेकिन अब एक और मजे की चीज है, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश में दम निकले, विराट कोहली इज इंडिया की क्रिकेट हिस्ट्री का बेस्ट टेस्ट मैच कैप्टन, पर जब कैप्टनसी अगर चाहे ब्रायन था और चाहे सचिन था, इवन इयान बोथम, दे कुड नॉट इवॉल्व एज कैप्टन्स, ये कमाल नहीं। लेकिन उसमें भी देखें आप सचिन, उसके बाद भी कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, रिपोर्ट इज एट डाउन, ये ठीक है, ये नहीं होती मेरे से, ये नहीं करवानी तो ठीक है, उसने छोड़ा, उसके बाद फोकस किया बैटिंग के ऊपर, एंड ही स्टिल ब्रोक ऑल द रिकॉर्ड्स, उसके बाद भी जाके होता है ना, कि दैट शोज एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है, कि धचका लगा है, क्योंकि आजकल जो बातें हो रही हैं वो धचका अगर लग गया ना, पता नहीं क्या होगा, जो आजकल बातें चल रही हैं आप लोग ज्यादा करते हैं उसको, तो अगर वही तो उसके बाद क्या होगा कि आपकी अपनी जो बैटिंग है उसके ऊपर इम्पैक्ट कैसा आएगा। तो आई थिंक उस सचिन के देखते हैं तो पूरा कैरियर उसका आपको पॉजिटिव 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 चीजें ही नजर आएंगी,
तो बाकी जब किसी दिन और शो करेंगे तो लेग ब्रेक ऑफ ब्रेक और मीडियम पेस का भी हम जिक्र करेंगे। हम सिफत पड़ जाती होती थी हमारे बैट्समैनों के, गुगली भी ठीक ठाक वो कर लेते होते थे। तो ये थे फील्डर, हाँ ठीक थे, उस दौर के लिए ठीक थे। आजकल शायद आप कहते हैं कि यार थोड़ा आगे निकल गए, लेकिन उस दौर के लिए फील्डर वो ठीक थे। तो बाकी नेक्स्ट प्रोग्राम में जरा डिटेल से जाते जो आजकल के बल्ले मैंने अपने पुत्र को लेके दिए अभी इंग्लैंड जाने से पहले दो बल्ले, तो ये बल्ले अगर विव रिचर्ड्स के पास होते और आजकल का स्टैंडर्ड होता बॉलिंग का T20 होता तो क्या होता यार। वो सुना वो उस उन फटों से भी वो स्टेडियम पार करा देते थे, वो तो बाउंड्री 90 मीटर होती है होती ना इंडिया में, तो ये 60 मीटर के साथ क्या होता है 77 या 65 का छक्का लगता है, वो दैट्स अ मैसिव हिट। तो ये क्या होता है, मेरा जो ये होता है तबाही होनी थी, तो तबाही होनी थी। इवन सचिन वाला बैट आप दे रहे थे उस दौर का बैट भी अगर वेव को, तो आई थिंक 200 रहे थे T20 में इजीली आराम से होना चाहिए बॉल।